हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल पर। हम आज नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का टॉपिक है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल आपका फर्स्ट पेपर है, पहले से आपको ज्ञात है। इसका तीसरा टॉपिक अध्ययन करेंगे हम आज। तीसरा टॉपिक है भू संतुलन की संकल्पना। भू संतुलन की संकल्पना के अंदर दो वैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत दिए हैं, सर जॉर्ज एरी और पोर्ट के सिद्धांत। दोनों ने अपने सिद्धांत दिया है और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। इस टॉपिक में से दो क्वेश्चन बन के आए हैं। एक तो भू संतुलन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है, सर जॉर्ज एरी और पोर्ट के सिद्धांत को समझाइए, तथा दूसरा है इसके तुलनात्मक अध्ययन, यानी ये दो प्रश्न बन के आए हैं। अब इसमें प्रश्न है, समस्थिति से क्या तात्पर्य है, समस्थिति सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, प्रॉट एम एरी के समस्थिति सिद्धांत को समझाइए। यानी दोबारा से देखो, समस्थिति से क्या तात्पर्य है, प्रॉट एम एरी के समस्थिति सिद्धांत को समझाइए, यानी इस सिद्धांत को समझाना है। परीक्षा में ये दो तीन बार पूछा गया है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसकी हम व्याख्या करने के शुरू में परिचय देते हैं। आइसोस्टेसी ग्रीक शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ समस्थिति संतुलन होता है। यानी आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति या संतुलन। समस्थिति संतुलन का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डट्टन ने 1889 में किया था। डट्टन नामक वैज्ञानिक है, डट्टन, इन्होंने 1889 में किया था। इन डट्टन महोदय का मुख्य उद्देश्य था भूतल के असमतल भागों, भूतल के ऊपर जो भी उबड़ खाबड़ स्थिति है, असमतल जगह है, पर्वत पठार तथा नीचे धसे हुए भाग, झील गड्ढे गहरे खाइयां, भागों में स्थिरता या संतुलन स्थापित करना था। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भूतल पर उपस्थित जो ऊपर उठे हुए भाग है और नीचे धसे हुए भाग थे, उनमें संतुलन स्थापित करना था इनका मुख्य उद्देश्य डट्टन का। तो संतुलन की परिभाषा क्या दी है, देखो संतुलन की परिभाषा क्या है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में पर्वत पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। दोबारा देखो, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, यानी पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में पर्वत पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। जब इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भू परिवर्तन होता है। जब संतुलन में परिवर्तन होता है तो भूमि पर बहुत बड़े रूप में परिवर्तन आता है। अब देखो डट्टन महोदय के अनुसार क्या है समस्थिति, डट्टन महोदय ने क्या कहा, डट्टन का मत था कि पृथ्वी के ऊंचे उठे पर्वत पठार मैदान तथा सामुद्रिक तली में नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होगा। यानी ऊपर डट्टन का मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार मैदान तथा समुद्री तली के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होगा। यानी इनके अनुसार कि ऊपर और नीचे दोनों का भार क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं डट्टन ने, क्या कहा है, ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा, ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे दसे हुए भागों का घनत्व अधिक होगा, यह डट्टन ने कहा था। अब आप इसको देख लो एक बार और इसको उतार लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यह आपके सामने है।
आप देखो, अधिक होगा यानी ऊपर उठे हुए भागों का घनत्व है, जो ऊंचे उठे हुए ये भाग है उनका घनत्व क्या है, ऊंचे उठे हुए भाग है घनत्व कम तथा नीचे गहरा स्थित भागों का घनत्व अधिक। ये किसने बताया है? डटन महोदय ने ये चीज बताई। अब इनके अनुसार भार एक रेखा के सारे बराबर होगा, इस आधार तल को सम दबाव तल अथवा समोत्तलन कहते हैं या क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। जब किसी कारणवश एक भाग का भार बढ़ दबाव बढ़ जाता है, एक भाग का दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है तथा दूसरे भाग का दबाव कम हो जाता है, दूसरे भाग का दबाव कम हो जाता है तो भू संतुलन स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? असंतुलन। तो असंतुलन स्थापित हो जाता है, इस असंतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी? कालांतर में नदियां अपने साथ मिट्टी कचरा अवसाद जमा कर देंगी, यानी नदियां जब सागर में निक्षेप करती है तो डेल्टाई भागों का क्या करता है? भार बढ़ने लगता है। डेल्टाई भागों का भार बढ़ने लगता है, भार बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भागों का भार कम होने लगता है, तथा पहाड़ी भागों का कम होने लगता है। नदियों के द्वारा क्या होता है? पहाड़ी भाग कट के आएंगे, डेल्टाई भागों का भार बढ़ेगा तथा पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है, असंतुलन हो गया। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग उठने लगता है तथा डेल्टाई भाग समुद्र पे जाने पे क्या करेगा? नीचे नीचे दसकने लगता है तथा नीचे दसकने के बाद दबाव क्रिया बढ़ती है और डेल्टाई भाग का वापस आ जाता है और पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने लगता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को ही क्या कहते हैं? संतुलन की दशा कहते हैं। यानी पृथ्वी का प्रत्येक भाग एक नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है, इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। अब देखो इस सिद्धांत के बारे में, यह तो था इसका परिचय हो गया। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का श्रेय भारत की मुख्य भूमि को जाता है। सन 1859 ईस्वी में सिंधु गंगा के मैदानों के अक्षांशों के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण भारत के सर्वेक्षण सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। यानी सन 1859 में सिंधु गंगा के मैदानों का अक्षांशों का निर्धारण एक कमेटी थी
सर जॉर्ज एवरेस्ट इनके जो निर्देशक थे उनके निर्देशन में ये कार्य हो रहा था। तो यहां पे क्या हुआ, इनको सिंधु गंगा नदी का अक्षांश निर्धारण करना था, अक्षांश रेखा निकालनी थी, एक अक्षांश रेखा निकालनी थी भाई, इधर से कौन सी अक्षांश रेखा जा रही इस सिंधु गंगा मैदान। तो देखो उस समय कल्याण व कल्याणपुर ये दो स्थान थे, कल्याण व कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशी माप लेना था, वो त्रिभुजीकरण विधि तथा खगोलीय विधि, दो विधियां काम में ली गई। पहला तो लिया गया है त्रिभुजीकरण विधि और एक विधि ली गई है खगोलीय विधि। खगोलीय विधि काम में ली गई, दो विधियां काम में ली गई है, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि। इन दोनों विधियों से जब माप लिया गया है तो इन दोनों विधियों से जब माप लिया गया है 5.236 का अंतर आया। इन दोनों विधियों से इस अक्षांश की माप ली गई, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि, तो 5.236 का अंतर आया। अब इसके अनुसार ये अक्षांश रेखा थी 5.23, 5 डिग्री 23 मिनट ये अक्षांश रेखा थी। इस अक्षांश रेखा पर जो अंतर था वो 42 पॉइंट, त्रिभुजीकरण के अनुसार 42.294 तथा चुंबकीय विधि से 37.058 था। इनका अंतर 5.236 था। यानी अक्षांश एक थी, यहां पे अक्षांश एक थी और अंतर ये अलग अलग था। तो ये दोनों का अंतर क्या है, ये वाला। फिर देखो यहां पे सिंधु गंगा नदी के मैदानों के अक्षांशों का निर्धारण करना था। उस निर्धारण में दो स्थान थे, कौन कर रहा था, सर सर्वेयर थे, जॉर्ज एवरेस्ट थे। इन्होंने दो स्थान थे, कल्याण व कल्याणपुर, हिमालय से कुछ दूरी पर थे। इनका त्रिभुजीकरण विधि से लिया गया तो आया 4.294 तथा खगोलीय विधि से लिया गया तो 37.058 था। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखा गया तो 5.236 अंतर था उस अक्षांश रेखा के माप में। अब इस बारे में कल्याण हिमालय से मात्र कितनी दूरी पर था, 60 मील दूर था हिमालय से केवल। इस प्रकार दोनों पापों के अंतर आने का कारण एरी मोदे से पूछा गया। अब जो ये अंतर आया इसको एरी मोदे से पूछा गया कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि यह अंशांशों का अंतर आया है, किस कारण से आया। तो जो एरी मोदे ज्योग्राफी के भूगोलवेता थे इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हिमालय, ये अंतर हिमालय की जो पर्वत है उसकी निकटता के कारण आया है और हिमालय क्या कर रहा है, घड़ी के पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है और इसको प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये अंतर आया है 5.236 का अंतर आया है। तो एरी महोदय ने क्या बताया कि हिमालय पर्वत की निकटता के कारण अपनी आकर्षण शक्ति से ये घड़ी के पेंडुलम को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसके कारण से ये अंतर आया होगा। अब वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास नहीं हुआ तो दूसरे वैज्ञानिकों से पूछा गया, तो इन्होंने प्रोट से पूछा गया, प्रोट महोदय से पूछा तो प्रोट महोदय ने बताया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी किसका बना हुआ है, सियाल का बना हुआ है जिसका घनत्व कितना है, सियाल का 2.75 है। तो उन्होंने बताया अंतर है ना, जो अंतर कितना आया, अंतर
5.236 न होकर कितना होना चाहिए? ये अंतर 15.885 होना चाहिए, ये इतना अंतर होना चाहिए कि हिमालय महाद्वीपों की तरह सियाल का बना हुआ है और सियाल का घनत्व कितना है? 2.75 है। तो ये अंतर 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए। ये किसने बताया? प्रोट महोदय ने बता दिया। अर्थात हिमालय पेंडुलम को और दिया, यानी प्रोट महोदय ने क्या किया कि हिमालय पेंडुलम को और ज्यादा आकर्षित करना चाहिए अपनी, इसलिए हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर रहा है इसके अनुसार। ये बताया। अब सही, जो अपनी आकर्षण शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर रहा है इसके भी निम्न कारण बताए हैं प्रोट ने, वो कौन कौन से कारण है? पहला देखो कि हिमालय का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है, जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले बताए गए हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि पहला हिमालय का भाग खोखला है, इसके अंदर क्या है? चट्टान है, न कि और भाग स्थित है। ये बताया पहली बात। दूसरा क्या बताया इन्होंने? हिमालय ऊपरी भाग आंतरिक पदार्थ संतुलन के नीचे कम घनत्व वाले पदार्थों से बना है, यानी हिमालय के ऊपरी भाग आंतरिक पदार्थों के कम घनत्व वाले पदार्थ से बना हुआ है, इस कारण समस्त भार आकर्षक शक्ति कम होगी। तो ये बताया है इन्होंने, हिमालय के शेल का घनत्व कम होगा जिस कारण पर्वत का भार आकर्षण शक्ति कम होगी। यानी इन्होंने अगला पॉइंट बताया, हिमालय के सेल का घनत्व कम होगा जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी, तीसरा पॉइंट इन्होंने। अगला पॉइंट ये बताया है, ये माना गया है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व के अंतर नहीं होता है, यानी एक बिल्कुल है जिसके नीचे जाने पर पृथ्वी पर क्या है कि घनत्व क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है इस रेखा के साथ। किसने बताया? ये प्रोट महोदय ने बताया है कि इसके नीचे जाते सब बराबर भार रखते हैं, अतः इसके अनुसार कह सकते हैं कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा, यानी जितना बड़ा भाग होगा घनत्व कम होगा तथा जितना छोटा भाग होगा और जितना छोटा भाग होगा घनत्व अधिक होगा। इससे कह सकते हैं हम bigger the column lesser than density एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर देन डेंसिटी। यानी इसको कह सकते हैं bigger the column lesser density एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर डेंसिटी, यानी जितना बड़ा भूभाग जितना ऊंचा भाग उसका घनत्व कम, जितना छोटा भाग घनत्व अधिक। तो यही बात कही जाती है सामान्य तौर पर। अब इसके बाद में सर जॉर्ज एरी की संकल्पना देखते हैं। इसको आज साथ में उतार लिया करो, या जो मेन हेडिंग है इनके आपको नोट्स पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। अब देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक था सर जॉर्ज एरी, इनके अनुसार सिद्धांत का विकास किया गया। इनके अनुसार भूपटल पर उपस्थित सभी प्रकार के उच्चावच स्तर संतुलित अवस्था में स्थित है, जिसके दो प्रमुख कारण। इन्होंने क्या बताया कि जो भूपटल पर संतुलन अवस्था में है उनके दो कारण हैं। पहला कारण यह बताया सभी ऊंचाई समान घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है, यानी सभी भूभाग समान घनत्व वाली चट्टानों से बने हुए हैं बने। दूसरा है, परंतु सभी के आकार भिन्न भिन्न होने के कारण भार में भी भिन्नता हो सकती है। साथ ही इन्होंने क्या बताया कि सभी भूभाग समान घनत्व वाली चट्टानों के तो बने हुए हैं, परंतु सभी का आकार भिन्न भिन्न होने के कारण भार में भी भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही है।
अगला है, सभी प्रकार के उच्चावच अपने आकार के अनुसार भूपटल पर नीचे भिन्न भिन्न गहराई में उपस्थित होते हैं। यानी सभी प्रकार के उच्चावच अपने आकार के अनुसार नीचे भिन्न भिन्न गहराई में होते हैं, अलग अलग गहराइयों में पाए जाते हैं, ये बताया। अधिक विशाल उच्चावच के संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई धारण करनी पड़ेगी, इन्होंने बताया। इसी कारण विशाल पर्वत सर्वाधिक गहराई में धारण करते हैं जबकि समुद्र की गहराई कम होती है, इनके अनुसार। उदाहरण, इन्होंने दो उदाहरण काम में लिए हैं, वो उदाहरण देखो कौन कौन से हैं, इसको समझते हैं। पहला उदाहरण यह है कि जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है, नाव पानी में तैरती है, उसका अधिकांश भाग जल के अंदर और अधिकांश भाग जल के ऊपर रहता है। तैराव सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तैराव सिद्धांत कैसे, तैराव सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया है। दूसरा, तो उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है, तो उसी प्रकार क्या बताया इन्होंने, हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में, अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है। ये बताया। दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से एक बर्फ का टुकड़े का 1/9 भाग, 1/9 भाग जल में, यानी 1 भाग जल में के ऊपर 1/9 भाग, यानी बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण, बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दे सकते हैं यहां पे, कि बर्फ के टुकड़े का 1/9 भाग जल में, यानी 1 भाग जल में और 9 भाग जल के अंदर डूबा रहता है, ये जल में और ये बाहर, ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, अब यदि तैराव सिद्धांत के अनुसार एरी के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना अंदर होना चाहिए, 9 गुना धरातल के अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए बिल्कुल से, तो इसके अनुसार कितना हो जाएगा कि सबसे ऊपर 8,848 है, 48 मीटर ऊपर है, ×9 × 8,848 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 79.632 मीटर आ जाएगा, यानी 79,632 मीटर गहराई में होना चाहिए, कौन, हिमालय की जड़ें इतनी अंदर रहनी चाहिए इसके अनुसार, तैराव सिद्धांत और बर्फ के टुकड़े वाले के आधार पर। अतः घनत्व में समानता कहा जा सकता है, अतः घनत्व में समानता परंतु गहराई में भिन्नता, घनत्व में समानता परंतु गहराई में भिन्नता भू संतुलन सिद्धांत का प्रमुख आधार है। दोबारा देखो, अतः घनत्व में समानता तथा गहराई में भिन्नता भू संतुलन सिद्धांत का प्रमुख आधार है। जिस प्रकार से इसको आप देख लीजिए, अब इसमें एरी महोदय ने क्या हुआ, संतुलन की जो ये बताया कि समान परंतु गहराई में भिन्नता वाला लिया है, तो उनके अनुसार क्या लिया है, इन्होंने एक पात्र लिया है और पात्र में क्या किया है, इन्होंने एक यहां तक इन्होंने पात्र को जल से भर दिया और पात्र को जल से भरने के बाद एक समान वजन के भार, समान भार वाले लकड़ी के टुकड़े लिए और इनका जो लंबाई थी वो अलग अलग इन्होंने ली। लकड़ी का टुकड़ा लिया तो यहां पे तो सबसे बड़ा टुकड़ा लिया इन्होंने, फिर इन्होंने छोटा टुकड़ा लिया,
फिर इन्होंने इधर भी इतना लिया और इधर भी इतना लिया और इधर भी इतना लिया। तो ये तो हो गया लकड़ी का टुकड़ा, और ये क्या हो गया जल तल। तो एरिका संतुलन की स्थिति तो इससे क्या कहा जा सकता है कि घनत्व में समानता परंतु गहराई में भिन्नता। तो यह अब एरी ने कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होगा तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होगा, यानी घनत्व में भिन्नता होगी परंतु गहराई में अलग अलग होगा कि जितना ऊपर था उतना ही गहरा नीचे है। यहां पे इन्होंने बताया, तो एरी ने बताया जैसे लकड़ी के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्होंने जल में भरे बर्तन में डुबो दिया, टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूब गए। इस प्रकार से ऊंचे उठे भाग तथा नीचे भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं और एक संतुलन की रेखा पर बराबर भार रखते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है, इस सिद्धांत में एरी महोदय के जो सिद्धांत दिया था यह सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है इसी वर्तमान समय में, यद्यपि वर्तमान फिर भी इसमें कुछ दोष और आलोचनाएं रहेगी, वो दोष निम्न प्रकार से हैं। अब वो दोष देखते हैं, इस डायग्राम को बना लीजिए आप। दोष या आलोचना, फर्स्ट दोष या आलोचना है, हिमालय जैसे पर्वत भूपृष्ठ के नीचे 79,632 मीटर नौ गुना गहराई में अवस्थित है, पर नीचे जाने पर 32 मीटर पर तापमान क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ये कहा गया है फिजिकल में। इस प्रकार हिमालय की लंबी जड़ अधिक ताप पर पिघल जानी चाहिए, यानी हिमालय बहुत नीचे जाने पर क्या हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। यानी बिल्कुल पिघल जाना चाहिए। एक बात तो ये बताई है इन्होंने, पहला दोष क्या है कि बहुत ज्यादा गहराई में जाने पर घनत्व क्या हो जाता है, बिल्कुल पिघल जाएगा बहुत अधिक घनत्व हो जाने पर, तो तापमान बढ़ जाएगा तो घनत्व, तो हिमालय पिघला हुआ होना चाहिए। दूसरी उन्होंने क्या बताया है कि भूपटल पर सभी ऊंचाई समान घनत्व की चट्टानों से निर्मित नहीं है, कि भूपटल पर जो सभी ऊंचाई है पर्वत पठार मैदान, वो एक जो परत है चट्टानों के निर्माण यानी एक से नहीं बने हुए हैं, वो अलग अलग से बने हुए, जैसे ग्रेट पर्वत पठारों का निर्माण ग्रेफाइट चट्टान से हुआ है, जबकि महासागरीय चट्टानों का निर्माण बेसाल्ट पदार्थों से हुआ है, बेसाल्टी चट्टानों से हुआ, यानी अलग अलग पर्वत पठारों का निर्माण अलग अलग चट्टानों से हुआ है। तो ये दो दोष बताए हैं इन्होंने, दो दोष के कारण इनके कुछ सिद्धांत में कमियां रही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रोट की संकल्पना, सेकंड है प्रोट की संकल्पना। प्रोट की संकल्पना, प्रोट ने भारत के सिंधु नदी मैदान के अक्षांशों के निर्धारण किए भू सर्वेक्षण के दौरान जो गुरुत्व के प्रक्षेपित और अवकलित आंकड़ों में पाई गई भिन्नता की समस्या का निराकरण करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने क्या किया है कि अपने सिद्धांत में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने गुरुत्व प्रक्षेपित और अवलकित जो अवलकित आंकड़े थे
उनकी समस्या के निराकरण के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रॉट ने हिमालय की चट्टानों तथा सीमावर्ती मैदान चट्टानों का अध्ययन के आधार पर बताया कि पर्वत का जो घनत्व है, पर्वत का घनत्व यानी पर्वतों का घनत्व ये बताया है, पर्वतों का घनत्व पठारों से कम तथा पठारों का घनत्व मैदानों से कम। मैदानों का घनत्व मैदानों का घनत्व समुद्री तली से कम। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात पाया जाता है। इनके अनुसार ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात पाया जाता है। प्रॉट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है। प्रॉट के अनुसार क्या होता है? एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है, यानी एक स्तंभ के अनुसार घनत्व बदलता नहीं है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यह किसने बताया? प्रॉट ने बताया। इस प्रकार प्रॉट ने अपने प्रमुख मत समान गहराई किंतु भिन्न घनत्व वाले स्तंभ का प्रतिपादन किया, क्षतिपूर्ति रेखा के उपस्थिति में ही बताया। इस क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे समान धरातलीय क्षेत्रों में नीचे पदार्थ की मात्रा समान होनी चाहिए। इनके अनुसार एक लाइन बताते हैं और यहां पे ए स्तंभ ले लेते हैं और ये बी स्तंभ ले लेते हैं, तो ये क्षतिपूर्ति रेखा हो गई। ये क्या हो गई? क्षतिपूर्ति रेखा हो गई। अलग अलग। तो इस प्रकार प्लॉट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा तथा क्या बताया इन्होंने? ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। ये किसने बताया? प्रॉट महोदय ने बताया। प्रॉट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थलमंडल में होता है, पाइरोस्फीयर में नहीं होता है। अब इन्होंने संतुलन के लिए क्या लिया है? देखो, इन्होंने भी एक प्रयोग किया और प्रयोग के अनुसार क्या लिया? इन्होंने एक पात्र में पारा लिया और पारा लेने के बाद एक तल तक इसमें पारा भर दिया इन्होंने। यहां तक क्या हुआ? इन्होंने पारा भर दिया। इन्होंने पारा भर दिया। पारा भरने के बाद इन्होंने अलग अलग धातु की वो ली छड़े, अलग अलग धातु की छड़े ली इन्होंने, और अलग अलग धातु की छड़े लेने के बाद इन्होंने क्या लिया? इसमें डुबो दी। जैसे इन्होंने लिया ये तांबा लिया, लोहा लिया, निकल लिया और एक सीसा लिया तथा इधर इन्होंने क्या लिया?
टिन लिया, जस्ता लिया तथा चांदी ली इन्होंने, तथा ये क्या है? पारा है, मरकरी का गोल है, और ये क्या हो गया? सतीपूर्ति तल हो गया, और ये प्राट का संतुलन हो गया, प्राट का संतुलन सिद्धांत। एक पात्र, दोबारा देख लो, एक पात्र लिया, पात्र में पारे का दरुआ लिया, और दरुआ में अलग अलग घनत्व वाली धातु के टुकड़े लिए इन्होंने, और बिल्कुल इस पारे के अंदर छोड़ दिए इन्होंने, अपने अपने खुद ही ऑटोमेटिक सौते ही अलग 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 ऊंचाई पे, और एक सतीपूर्ति तल बना लिया, उस पर सेट हो गए। ये क्या, किसने कहा? प्रोट ने कहा कि एक सतीपूर्ति तल के सारे सारे स्थित हो गए। अब देखो इन्होंने तो इस प्रयोग के अनुसार इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इस प्रयोग के अनुसार इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न घनत्व वाले पर्वत, पठार, मैदान आदि भूभाग के अंदर एक निश्चित समान गहराई तक ही दसे हुए हैं, यानी इस गहराई तक ही है। पृथ्वी के अंदर जो धरातल में है वो बिल्कुल एक गहराई तक सीमित मात्रा में है, पर्वत पठार और मैदान एक गहराई तक सीमित है, उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं है, एक सीमित गहराई तक है, उसके नीचे नहीं है। तथा सतीपूर्ति तल के समान रखते हैं बाहर, तथा अब इसे आप डायग्राम को बना लीजिए, कॉपी में समझ लीजिए आसानी से, और संतुलन की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप देखो भूतल पर संतुलन की जो व्यवस्था है, भूतल पर संतुलन की व्यवस्था है वो दो तरीके से बता रखी है। अब इसमें भी है, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत भाग है, फिर है ये पर्वत या पहाड़ी प्रदेश बोल सकते हैं इनको, ये निक्षेपण है, ये इनका परिवहन है, और ये हो गया निक्षेपण हो गया। अब निक्षेपण के बाद में क्या होता है? इनका अवतलन हो गया। अवतलन के बाद में अदय स्तर में पहुंच गए, और ये क्या है? इसकी सीमा है, और इस सीमा के बाद में क्या हुआ? इनमें बहाव हुआ है, बहाव के बाद में वापस भूत। अब देखो इसको समझो, भूतल पर संतुलन की व्यवस्था देखो, भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि भूगर्भिक शक्तियां इसमें अव्यवस्था स्थापित करती है। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, उस स्थान पर ही क्या होने लग जाता है? अपरदन होने लग जाता है। अपरदन होने के कारण नदियों के द्वारा या बाढ़ों से द्वारा, किसी भी कारण नदियों के द्वारा ये निक्षेपण होने लग जाता है, और निक्षेपण होकर समुद्र तल में वापस पहुंच जाता है, सागर में जाके जमा हो जाता है, सागर में जाके क्या होता है? इसका अवतलन हो जाता है। अवतलन होने के बाद में क्या हो जाता है? वापस इसका अदय स्तर में भूत कर वापस पर्वतों के रूप में ज्वालामुखी और अन्य शक्तियों के कारण वापस ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है। तो संतुलन में अचानक
व्यवधान भी हो जाता है। किसके कारण? ज्वालामुखी और भूकंप के कारण। अब वर्तमान पर पृथ्वी पर दो तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है समय स्थिति को प्राप्त कर चुके क्षेत्र, आप इसको देख लीजिए, फर्स्ट है समय स्थिति को प्राप्त कर चुके प्रदेश और दूसरा है समय स्थिति को प्राप्त कर चुके क्षेत्र और दूसरा है असंतुलित असंतुलित प्रदेश। आप फर्स्ट देखो, इन प्रदेशों में प्रकृति द्वारा निर्मित संतुलन की अवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलती है, इसी कारण ये विवर्तनिक अलचलों से मुक्त प्रदेश है। यानी बिल्कुल इनमें उत्थान हो चुका, अब उत्थान वगैरह निर्माण नहीं होगा कालांतर में। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश इस भाग में आते हैं, तथा असंतुलित प्रदेशों में वो स्थान है जो प्रदेश लिथोस्फीयर प्लेटों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं, तथा जहां विवर्तनिक शक्तियां अभी भी सक्रिय है और भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं, जैसे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश इस क्षेत्र में माना जाता है। अब वर्तमान पर्यावरणविदों ने नदियों द्वारा बनाए जाने वाले जो बांध है उनको भी पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं माना है, क्योंकि जो कालांतर में ऐसे बताते हैं कि ये भूकंप और समय स्थिति को बंद करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ये जो बांध बनाए जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र का जो कोयना नदी पर बना कोयना बांध है वो उसके कारण वहां पे 1980 के दशक में भूकंप आया था इसी कारण से। तो ठीक है, ये आपका धन्यवाद है आपको। आज का टॉपिक जो हम समय स्थिति की जो प्रोट और एरी के समय स्थिति सिद्धांत है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।